क्या सुनना पसंद करेंगे? करीब आ जाइए ना, यहाँ नीचे बैठ जाए। हुमायूं बैठे हुए हैं, ऐसे ही महफिल लगी हुई है, तो इनके साथ एक शख्सियत थी जिनका नाम था बैरम बेग, जिन्हें बैरम खां भी कहा जाता है। तो बैरम बेग से ही कुछ बात करना चाह रहे थे। बैरम बेग जो थे वो बड़ा खोए हुए थे। तो जब बादशाह सलामत ने उनसे कहा कि बैरम बेग हम तुमसे कह रहे हैं, तो कहाँ खोए हुए हैं? अब ये तो कह नहीं सकते बादशाह सलामत को कि मैं आपकी बात नहीं सुन रहा था। तो वो बादशाह सलामत से फरमाते हैं कि बादशाह सलामत, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जब भी किसी दरवेश की संगत में बैठो, दरवेश की संगत में बैठो तो उसके दिल की तरफ देखो, और जब भी किसी बादशाह की सोहबत में बैठो तो उसकी आँखों की तरफ देखो, और जब भी किसी अकलमंद की संगत में बैठो तो अपनी जबान देखो। ये तीनों ही खूबियाँ बादशाह सलामत में हैं। मैं ये सोच रहा था कि मैं किस तरफ देखूँ। ये जो हाजिर जवाबी है, बाकायदा सिखाई जाती थी, ये अकलमंदों का पेशा होता था हाजिर जवाबी जो। खैर चलो, एक मुग़ल शहजादे की दास्तान मोहब्बत थोड़ी सी बताता हूँ। औरंगज़ेब बड़ा एक दिलचस्प किरदार है इतिहास में। ये कहा जाता है कि जिसे कोई लेकर नहीं डूब सकता, उसे मोहब्बत लेकर डूब जाती है। और जो दुनिया का हारा हुआ होता है वो मोहब्बत में सफल हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि जब बेगम साहबा मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ, तो वो अपने बच्चों को जो है वो छोड़कर गईं, और बड़ी जो उनकी बेटी थी जहाँ बेगम साहिबा, वो जो है अपने भाई बहनों की परवरिश करने लगी। पर शहजादे औरंगज़ेब के लिए जैसे माँ का आँचल जो जहाँ बेगम साहबा देना चाहती थी वो छोटा पड़ गया। अब जब वो छोटा पड़ा तो वो अलग थलग हो गए, और बाकी जो शहजादे शहजादियाँ थे वो तो सही राह में रहे, ये अलग दिशा में निकल गए। इनको लगता था कि सब इनको नापसंद करते हैं, बादशाह सलामत शाहजहाँ इन्हें नापसंद करते हैं। अब एक बार क्या हुआ कि हाथियों की लड़ाई हो रही थी जमुना के किनारे, तो एक हाथी जो है, अब हाथियों को पहले शराब पिलाकर जो है वो लड़ाया जाता था। तो सारे मतलब शहजादे शहजादियाँ, मलिका आलिया और दारा शिकोह की नई दुल्हन भी वहीं बैठी हुई थी, और उसी मतलब उसी जगह पर जो है मिर्ज़ा राजा जय सिंह भी वहीं मौजूद थे, और वहाँ दो हाथी जो है वो लड़ रहे थे। उनमें से एक हाथी विदता और शहजादे औरंगज़ेब की तरफ बढ़ा जो घोड़े पर बैठा हुआ था। अब वो जब वो उसकी तरफ बढ़ रहा है गुस्से में, तो सब एकदम डर गए कि ये जो है उसको रौंद जाएगा। उसको बहुत रोकने की कोशिशें हो रही हैं, उस पर मतलब पटाखे वगैरह चलाए जा रहे हैं। वहीं दारा शिकोह खड़े हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं, मतलब उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो कुछ करें। तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह जो थे वो उसको रोकना चाह रहे थे, पर वो हाथी को रोक नहीं पाए। तो ये कहा जाता है कि जो औरंगज़ेब हैं, वो जो शहजादा है, उसने अपना भाला लिया और उसको इस तरीके से कर लिया कि मतलब मुझे मरना तो है ही, तो क्यों ना मैं लड़ के मरूं। तो ये कहा जाता है कि जब उसकी तरफ बढ़ रहा था तो मतलब से कुछ ऐसा हुआ कि हाथी ने अपना रुख बदल लिया, और फिर वो जो अनहोनी थी वो टल गई। अब शहजादा जो था वो उसको ये लग रहा था कि जो उसके वालिद हैं शाह बाबा, वो उसकी बड़ी तरफदारी करेंगे, उसको मतलब थोड़ा सा मतलब उसको मतलब उसको अपने करीब बिठाएंगे, सीने से लगाएंगे। जब वो उनके पास गया कॉर्निक बजाने के लिए, तो उसके शाह बाबा जो शाहजहाँ थे उन्होंने उल्टा उसको डांटना शुरू कर दिया
कि तुम हटे क्यों नहीं वहाँ से, कुछ अनहोनी हो जाती थी। अब यहाँ से जो एक छोटी सी दरार थी वो और बड़ी हो गई। अब हुआ ये कि जब वो थोड़े से बड़े हुए तो दारा शिको के कहने पर बादशाह शाहजहां ने शहजादे औरंगजेब को तख्तन का सूबेदार बनवा दिया। और जब वो तख्तन पहुंचे वहां उनकी मुलाकात हुई हीराबाई से। ये नाम सुना है आप लोगों ने कभी? हीराबाई बुरहानपुर। तो जब ये वहां पहुंचे तो हीराबाई से जो है इनकी मुलाकात हुई। हीराबाई जो थी वो इनके इनकी जो खाला है, मतलब जो इनकी मौसी, उनके यहाँ उनके हरम में थी। अब किसी तरीके से इन्होंने हीराबाई को जो है अपने महल में जो है बुलवा लिया। इनकी जो मुलाकात भी हीराबाई से हुई है वो बड़ी दिलचस्प है कि आम के बाग से जो है ये गुजर रहे हैं और वहाँ आहू खाना, वहाँ हिरन कुलाचे भर रहे हैं और वो एक लड़की है वो आम के पेड़ के नीचे से जो है वो आम तोड़ तोड़ कर जो है वो खा रही है और जो वो मतलब यहाँ से जो है वो गिरना शुरू हो रहा है और शहजादा जो है वो चुपके चुपके किसी पेड़ के पीछे से जो है उसको देख रहा है। अब ये शहजादा जिसको किसी को देखकर जो है उसकी बेचैनी नहीं बढ़ी, वो हीराबाई को देखकर जो है एकदम मंत्रमुग्ध हो गए और किसी तरीके से बहुत सारे उतार और चढ़ाव के बाद जो है हीराबाई को जो है उसके हरम में शामिल कर दिया गया। हासिल करना एक है और पा लेना एक है, कहने को ये दोनों शब्द एक हैं पर इनकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। हासिल करना और पा लेना दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यहाँ शहजादे ने हीराबाई को हासिल तो कर लिया था पर वो पा नहीं पाया उसे। तो एक बार क्या हुआ कि इसी तरीके से जो है एक मैदान था और वहाँ जो है वो कालीन बिछाई गई और कालीन पर जो है वो शहजादा और हीराबाई बैठे हुए थे। हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं, यहाँ से चलते हैं। ये जो है ये गोल्ड का कलश है, ये जो ओरिजिनल था वो तो उसमें मौसम में बह गया, डैमेज हो गया। फिर इसके ऊपर बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनी आगा खां वालों की तरफ से कि इसको कितना इसमें जो है कैरेट गोल्ड लगाया गया है। असल में मैं कह रहा हूँ इसमें बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनी है आगा खां वालों की तरफ से, तो आप देखिएगा इसको लगाने का मतलब ये एक बड़ा अलग साइंस इसमें लगा, इतनी मशक्कत लगी है उन्हें लगाने में, कितने पता नहीं कैरेक्टर उन्होंने उसमें सोना चढ़ा दिया, मर दिया। हुमायूं सुम उनका बेस्ट प्रोजेक्ट में शामिल, तो ये आप गूगल कीजिएगा आपको मिलेगा। खैर मैं बता रहा था कि अच्छा इस तरफ है वो तारा चुको का जो मदार है ना वो इस तरफ कहीं बताते हैं और यहाँ नीचे हैं वो जो बाकी कब्रें हैं ना सारी की सारी। तो खैर मैं ये बता रहा था कि एक जगह से कालीन बिछी हुई और शहजादा औरंगजेब वहाँ बैठा हुआ था और हीराबाई बैठी हुई। तो हीराबाई जो थी वो रक्तासा थी, मतलब वो तवायफ थी। तो हीराबाई जो हैं वो शहजादे के पास आती हैं और कहती हैं कि अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो ये शराब का प्याला जो है आप पी जाएंगे। शहजादे औरंगजेब के लिए शराब मतलब ये बहुत बड़ा फैसला था। शहजादे औरंगजेब ने वो शराब का प्याला उठाया और वो जैसे ही उसको पीने जा रहे थे इतने में जो हीराबाई हैं उन्होंने जो है वो प्याला हटा दिया। और ये कहा जाता है कि वहीं से हीराबाई भी जो थी वो शहजादे की मोहब्बत में पड़ गई और शहजादा जो है उसके अंदर कुछ सुधार आने शुरू हुए। जब सख्त दिल मोहब्बत की वजह से गुदाज होना शुरू हो जाता है, नर्म होना शुरू हो जाता है, तो वो राह हक की तरफ बढ़ने लगता है, तो वो सबके साथ इंसाफ करता है। तो औरंगजेब जो थे उन्होंने जो है वो मतलब सबसे अच्छे से व्यवहार करने लगे। ये बात जो है जब आगरा पहुंची तो उनकी बहन जो रोशन आरा थी वो या दारा शिकोह, मतलब उन्हें ये शक था कि उनके जो वालिद
और दारा शिकोह हैं जो उनकी खुशी से खुश नहीं होते, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। तो हुआ ये कि एक रात को चोर बरपा था, तो शहजादे जो है उस चोर की जानेब बढ़े। तो जब उस जानेब बढ़े तो हरम में से आवाज़ आ रही थी, खून निकल रहा था। तो शहजादा जो है वो अंदर तेज़ कदमों के साथ अंदर जाने लगा, तो उसके जो खादिम थे, ख्वाजा सरा थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया। ये खादिम, ये ख्वाजा सरा जो शहजादे से इतना दूर रहते थे, उसकी आंखों के इशारे से पर जो है वो काम करते थे, उन्होंने जो है उसके कदमों को जो है वो रोक लिया, पकड़ लिया कि शहजादे आप अंदर ना जाएं। पर जो शहजादा था वो अंदर जाना चाहता था, वो देखना चाहता था कि ऐसा हुआ क्या। उसका दिल कह तो रहा था कि कुछ अनहोनी हो गई है, और उस अनहोनी का नाम जो है वो हीरा बाई। तो वो गया अंदर, तो वो देखता क्या है कि हीरा बाई के सीने में खंजर लगा हुआ है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही। जब हीरा बाई फौत हो गई, काल फरमा गई, तो शहजादे ने किसी से ना कुछ कहा ना पूछा, उसने अपना सरकश उठाया, तलवार उठाई और खामोशी के साथ जो है अपने घोड़े को लेकर जो है जंगल में कहीं घूम गए, शिकार पर निकले। उसके बाद से जो वो खामोश हुआ, उसकी खामोशी ने इतना कहर बरपाया, उसने बाहर वालों को मारा, उसके अपने उसकी तलवार से ज़ख्मी हुए, वो खुद अपनी तलवार से ज़ख्मी हुआ। वो जो लोग जो खामोश हो जाते हैं, जो कुछ नहीं कहते, वो उस मजदूब की तरह होते हैं कि वो शराब पी लें बहुत सारी और आंखों पर कपड़ा बांध लें और हाथ में जो है दोनों हाथों में तलवार लेकर रक्स करें, फिर उसके बाद वो अपने आप को भी घायल करते हैं, बाहर वालों को भी करते हैं, अपनों को भी करते हैं। और ये कहा जाता है कि दो पल की जो मोहब्बत थी, जो उसे दक्कन के दरवाज़े पर मिली थी, दक्कन की चौखट पर मिली थी, बुरहानपुर औरंगाबाद दरवाज़ा ही है दक्षिण का, उस दरवाजे की चौखट की दो लम्हे की मोहब्बत के चक्कर में उसने उम्र भर जो है दक्कन की चटियल वादियों में जो है अपना माथा पटका, वो लौट कर ही नहीं आया। दिल्ली बड़ा कम रहा है वो, तो यहाँ का जब पानी चला गया वहाँ दक्कन, तो यहाँ के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली शहर सुहावना, कंचन बरसे नीर, सबके कंठ बटोर के ले गए आलमगीर, साहब की विनती करो और मन में धारो धीर, अब के बिछड़े तब मिले जब पलटे आलमगीर, आलमगीर औरंगजेब आलमगीर। तो फिर दिल्ली वीरान होगी और दक्कन आबाद होगी। आइए बाहर चलते, कुछ और सुनना चाहेंगे बाहर, तो सोच लीजिए।